Good morning, students. I hope you all are fine and are paying attention to your studies at home. सब पढ़ रहे होंगे घर में. Okay. So हमने poem The Ants complete कर लिया है. आपको उसके difficult words, sentences, meanings सब मिल गए हैं. Now अब बारी है back exercises देखने की. Okay. तो आई नो यू ऑल कैन डू इट, बट एक बार मैम आपको अच्छे से सब एक्सप्लेन कर देंगी ताकि आपको किसी भी आंसर में कोई डाउट ना हो, है ना. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज है आपका, राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. जो गलत है उसके लिए एफ, जो सही है उसके लिए टी. देखते हैं हम. फर्स्ट वन इज द लिटिल एंट कुडंट लीव और रोल द ग्रेन ऑफ व्हीट अलोन. जो छोटा एंट था वो खुद से अपने अकेले अपने बलबूते पे वो वीट का जो दाना था वो उठा नहीं पा रहा था. तो ये तो ट्रू है ना, वो नहीं उठा पाते, इसलिए उसे किसी और की मदद की ज़रूरत पड़ रही थी. सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ट्रू. नेक्स्ट, द बिग ब्रदर वॉज अ सेल्फिश एंट, इट्स फॉल्स. फॉल्स हो गई है क्योंकि जो बड़ा भाई था एंट का वो बहुत एक अच्छा था एंट था. ही वॉज अ वेरी गुड नेचर्ड एंट क्योंकि उसने आके उसकी मदद की थी वो वीट उठाने में. द लिटिल एंट्स नेबर वॉज अ गुड नेचर्ड एंट, इट विल बी फॉल्स क्योंकि उसके नेबर ने, ब्लैक एंट के नेबर ने उसकी मदद करने से मना कर दिया था. इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो यहाँ पे हम एफ लिखेंगे. लास्ट वन इज लिटिल इंसेक्ट्स कैन बी काइंड टू ईच अदर. जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो भी एक दूसरे से काइंड होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं. तो ये तो ट्रू है, तभी तो हमें एंट से लर्न करना चाहिए कैसे एक दूसरे की मदद करें, है ना. सो इट विल बी ट्रू. यहाँ पे आप ट्रू लिखोगे. नाउ नेक्स्ट, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ ईच फॉर द फॉलोइंग. पोएम में से ये तीनों के लिए एक एग्जाम्पल लिखना है हमको यहाँ पे. राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड का मतलब आप सबको पता है, मतलब जो जब हम बोलें तो वो दोनों एक जैसे साउंड करने चाहिए. लाइक यू कैन से शिफ्ट. ओके, शिफ्ट का मतलब क्या होता है, मूव होता है ना. शिफ्ट के जैसे आप कोई भी लगा दो उसके साथ कोई भी वर्ड, लाइक शिफ्ट का राइमिंग वर्ड हो गया गिफ्ट. अंडरस्टूड, शिफ्ट गिफ्ट बोलने में एक जैसा साउंड आ रहा है ना, तो इस ऐसी वर्ड्स को हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड. मतलब जब हम बोलते जाए, लेकिन लाइक इस पोएम में है वीट मीट, प्लीज ईज रोड लोड हियर अपीयर. ओके, ब्रदर अदर टाउट टॉट आउट. ओके, ये सब कुछ क्या है, दीज ऑल आर वॉट राइमिंग वर्ड्स क्योंकि एक जैसे साउंड करते. तो ऐसे दो वर्ड हमको यहाँ पे लिखने हैं. ओके, सो राइमिंग वर्ड्स का एग्जाम्पल एक क्या हो जाएगा, प्लीज इज. ओके, एलिट्रेशन मतलब किसी भी एक वर्ड का, किस कोई भी एक लेटर जो है अगर एक सेंटेंस में बार बार रिपीट होता है तो उसको हम बोलते हैं एलिट्रेशन. इस पोएम में एक लाइन था टू हैवी टू लिफ्ट और टू रोल. यहाँ पे टी देखिए, टी यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है. एक लेटर तीन बार आ चुका है एक सेंटेंस में, तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसमें टी का अलिट्रेशन हुआ, रिपीटेशन हुआ है. अंडरस्टूड. सिमिली मतलब आप जैसे बोलते हैं ना, एज वाइट एज मिल्क, ओके एज ब्यूटिफुल एज मून. तो जब ये जो एज दो बार जब किसी से कंपेयर करते हैं किसी चीज़ का, तो एज ऐसे यूज करते हैं ना, एज डैश. ओके, तो जब एज दो बार ऐसे यूज होता है किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं किसी चीज़ से, उसके जब हम एज कैसे यूज करते हैं तो उसको हम सिमिली बोलते हैं. तो इस पोएम में एक एग्जाम्पल है एज क्रॉस एज द एंड, ये इसका एग्जाम्पल हो गया सिमिली का. चलिए, फर्स्ट पेज तो हमारा हो गया. नाउ नेक्स्ट पेज, इट्स वेरी इजी. नेक्स्ट पेज में आप कुछ नहीं करना है, बस जो यहाँ पे ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए हुए हैं ना, इनको आपको, इन वर्ब्स को आपको सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करके यहाँ लिखना. आप सबको पता है ना सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, जो भी आपको वर्ब दिया हुआ रहता है उसमें आपको बस ईडी लगा देना होता है या फिर उसको उसके बस पास्ट फॉर्म में चेंज कर देना होता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस. तो ब्लू का ब्लू, डिसाइड का डिसाइडेड, यहाँ पे बी इसके लिए वॉज यहाँ हो जाएगा, शाइन का पास्ट टेंस शोन, होल्ड का हेल्ड, डिमांड का डिमांडेड, हाइट का हिड, स्टील का स्टोल, फील का फेल्ट, टर्न का टर्न, पेंट का पेंटेड, लुक का लुक. तो इन सारे वर्ब्स को हमको बस पास्ट फॉर्म में उनके चेंज करना था. सो आई हैव ऑलरेडी डन दैट, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट. नाउ यहाँ पर भी आपको सेम चीज करनी है, पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इन वर्ड्स का उनके पास्ट फॉर्म में चेंज करके आपको यहाँ पे लिखना है ना. कीप का कैप्ट, डांस का डांस्ड,
शेक का शुक, तो ऐसे ही आपको बाकी सारे वर्ड्स को भी उनके पास्ट फॉर्म में चेंज करके यहाँ पे लिखना है ना। ये आपको स्टोरी पढ़नी है और इसमें जो भी वर्ब है जो कि सिंपल पास्ट टेंस में लिखे हुए हैं उनको अंडरलाइन करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस में वॉज है पास्ट टेंस में, मेल्टेड हो गया। नेक्स्ट में बरीड, फाउंड, ट्राइड, यहाँ पे वॉज, स्टोलन, कन्फ्यूज्ड, केम, बॉट, और लास्ट लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पे हर्ड और बिगैन। ओके, यहाँ पे एक छूट गया है, इसको भी आप करोगे। यू केप्ट, केप्ट भी क्या है, पास्ट टेंस है ना, कीप का पास्ट टेंस है केप्ट। अंडरस्टूड? सो ऑल दीज आर इन सिंपल पास्ट टेंस। सो दैट्स ऑल, आपका बैक एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया, आप सब भी अपने बुक में इसको फिल कर लेंगे। थैंक यू।